एक कुर्ती का कितना प्राइस? 500 दाम है। आप एक पीस खा के उसके बाद स्टेटमेंट दीजिए। बिल्कुल 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 खा के। और काफी ठंड का मौसम है, शाम भी होने वाला है, लेकिन यहाँ पर भीड़ की कमी नहीं है। यहाँ नीचे आपको विशाल मेगा मार्केट लगा हुआ। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बुद्ध भगवान का काफी अच्छा मूर्ति बनाया गया। आप मेरे पीछे देख, ट्रेन वाला फील आ रहा होगा बच्चों को, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक राउंड करके घुमा देता हूँ। मोर भी बना हुआ है और पेड़ भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ गांधी मैदान में, गेट नंबर 4 के पास, और यहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगाया गया है और इस मेले का नाम है सरस मेला। तो गाइस आज संडे है तो काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है, वो भी सीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेला है। और यहाँ पर झूला उला भी मेला में लगाया गया है, क्योंकि हर साल ये मेला लगाया जाता है गांधी मैदान में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, फिर चलेंगे अंदर, वो भी सीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो गाइस आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बिहार सरस मेला 2022, यही वो एंट्री गेट है, आप आ सकते हैं, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो गाइस फिर चलते हैं अंदर, और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़, आप देख सकते हैं कि गेट पर कितना ज्यादा भीड़ है, क्योंकि आज संडे है इसीलिए यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि ये बिहार का सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं अंदर। आए हुए सभी एजेंटों से अनुरोध है कि मेला परिसर में एक जगह इकट्ठा न रहे, मेले में घूमते। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं इस मेला के अंदर। तो चलिए उनसे बातें करते हैं कि ये कितने के फ्लावर्स है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये लाल फ्लावर आपको देखने को मिल रहा है, जो काफी खूबसूरत है। पूछते हैं कि कितना प्राइस होने वाला है। ये कितना का फ्लावर है भैया? 50 रुपया। कितना का? 50 रुपया का, ये बराबर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं लाल वाला जो फ्लावर है ये 50 रुपए का, और ये कितने का है? ये भी 50। ये भी 50 है। तो गाइस ये भी जो उजला वाला आप देख रहे हैं नीचे में, ये भी 50 का होने वाला है। चलिए थैंक यू। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर बांस का बना हुआ कुर्सी टेबल सब कुछ मिलने वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैठने वाला है जो बांस का बना हुआ है, देख लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा कंबल, ठंड के लिए अगर कंबल लेना चाहते हो तो कंबल भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कंबल भी देखने को मिल जाएगा जैसा देख। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बुद्ध भगवान का काफी अच्छा मूर्ति बनाया गया, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अगर आप इसे रात में देखिएगा तो आपको और ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लाइट में जो ये जलती है ना, तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यही वो बुद्ध भगवान का मूर्ति बनाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस अब मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देता हूँ कि काफी खूबसूरत लग रहा है ये बुद्ध भगवान का यहाँ पर मूर्ति। तो गाइस देख लीजिए, बगल में मोर भी बना हुआ है और पेड़ भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो काफी खूबसूरत है। मैं आपको एक बार चारों तरफ से दिखा देता हूँ करके कैसा लगता है देखने में। गाइस कुछ ऐसा सीन यहाँ पर देखने को मिलेगा जो काफी खूबसूरत है, देख लीजिए। तो गाइस आपको इस मेले में बच्चे के लिए झूला भी देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे के लिए मिक्की माउस झूला होता है ना, वो लगाया गया है यहाँ पर, एक नहीं दो दो लगाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर घोड़ा का झूला भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं बच्चों के लिए। गाइस देखिए झूला चालू हो चुका है, ट्रेन का झूला आप देख सकते हैं, काफी मजेदार है, देख लीजिए, काफी अच्छा लग रहा होगा बच्चों को यहाँ पर ट्रेन वाला झूला झूलने में, तो ट्रेन वाला फील आ रहा होगा बच्चों को, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि आज संडे है तो इसीलिए काफी ज्यादा यहाँ भीड़ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कुछ भजन भी हो रहा है, आप देख सकते हैं आवाज आपको आ रही होगी भजन का, तो इस भजन का भी सीन आपको दिखाते हैं, चलते हैं फिर अंदर दिखाते हैं आपको नजारा कैसा होने वाला है। तो गाइस आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर भजन हो रहा है, और ये भजन देखने के लिए काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं, आपको आवाज भी सुनाई दे रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे मेरे सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हौसलों से भरी उड़ान, मिली मंजिल बनी नहीं पहचान। और यहाँ पर नीचे आपको विशाल मेगा मार्केट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ इस मेला में मिलने वाला है। मेरे सामने देख सकते हो कि पर्स का दुकान लगा हुआ है, काफी ज्यादा कपड़ा की भी दुकान यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, काफी बड़ा है, अगर घूमने आइएगा तो आप घूम नहीं पाइएगा एक दिन में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ सीन सब, ठीक है। Thank you.
तो गाइस अगर आप सरस मेला के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक कारपेट भी देखने को मिल जाएगा। कारपेट है जो काफी खूबसूरत है। चलिए इनके ओनर से बात करते हैं, ये कारपेट कितने का है? ये कारपेट 1800 रुपए का। 1800 रुपए का गाइस ये कारपेट है। और ये 750 का। ये आप कारपेट मिल जाएगा वो भी सस्ते दाम पे। भदोही के कारपेट है जो हैंड वीविंग से बनाया। तो गाइस आप यहाँ पे कारपेट ले सकते हैं। तो गाइस आप चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं आगे का नजारा कैसा होने वाला है। तो गाइस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है और यहाँ पे झूला उला भी लगाया गया है आप देख सकते हो। और काफी ठंड का मौसम है, शाम भी होने वाला है, लेकिन यहाँ पर भीड़ की कमी नहीं है क्योंकि आज संडे है तो इसलिए काफी ज्यादा भीड़ है। तो चलते हैं फिर आगे और भी देखते हैं नया कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस अब हम आ चुके हैं सरस रसोई के पास, क्योंकि यहाँ पर आपको खाने पीने का उत्तम व्यवस्था देखने को मिलेगा। तो यही वो गेट है सरस रसोई के अंदर जाने का। तो फिर चलते हैं सरस रसोई के अंदर, फिर देखते हैं वहाँ पर क्या खाने पीने का व्यवस्था किया गया है। तो गाइस आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है चाट कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे आपको टिक्की चाट, पापड़ी चाट, समोटा चाट, मिक्स चाट, दही वाला चाट, बास्केट चाट, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जस्ट बगल में देख सकते हैं यहाँ पे कुर्सी लगा हुआ है, टेबल भी लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर बैठ के आराम से खा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर सामने आप देख सकते हो लगा हुआ है बड़ा मिठाई, तो यहाँ पर आप मिठाई का भी उत्तम व्यवस्था किया गया, तो मिठाई खा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर आपको मशरूम पकौड़ा भी मिलने वाला है, क्योंकि आज संडे है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रहा है। और सामने में देख सकते हैं चाट कॉर्नर भी लगा हुआ है, और यहाँ पर आपको कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी सब कुछ मिलने वाला, चाउमीन भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको खाने पीने का काफ़ी ज़्यादा स्टॉल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर खाने पीने का कोई भी कमी नहीं है, जो चाहिए आपको वो वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगा। और संडे आज है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्राउड हो रही है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हैं। ये मेला पिपरा के सुप्रसिद्ध खाजा की दुकान है, और यहाँ पर आपको शुद्ध घी का खाजा भी मिलता है। तो गाइस अगर आप शुद्ध घी का खाजा खाना चाहते हैं सरस मेला के अंदर तो खा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो खाजा लगा हुआ है शुद्ध घी का। तो चलिए इनके ऑनर से बात करते हैं कि कितना प्राइस है इस खाजे का। कैसे खाजा अंकल जी? खाजा है 200 रुपए किलो, 10 रुपया पीस। 10 रुपए पीस है खाजा जी, जी। और ये बलसाई कैसे? बलसाई है 10 रुपए पीस है। हाँ, और भी सब आइटम है, क्या सब आइटम यहाँ पे? ये यहाँ नमकीन खाजा है वो भी 10 रुपए पीस है, लेकिन किलो में 240 रुपए है। और मिठास वाला खाजा जो है वो 200 रुपए किलो है। प्योर शुद्ध घी का रहता है वो? शुद्ध घी का खाजा है वो अलग है, उसका प्रोडक्शन अलग होता है, वो 100% घी में बनता है। 20 रुपया पीस और 400 रुपए किलो मिलता है। शुद्ध घी का खाजा किधर है सो बताइए? अंदर में है, दिखाइए एक बार कैसे पीस है वो। वो 20 रुपया पीस है। तो गाइस अगर आप शुद्ध घी का खाजा खाना चाहते हैं तो आपको अलग से एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, जो कि 20 रुपए प्रति पीस यहां पे देखने को मिलेगा। तो गाइस अभी हम शुद्ध घी का खाजा देखने वाले हैं कि कैसा होता है। आप एक पीस खा के उसके बाद स्टेटमेंट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खा के तो गाइस अभी मैं खा के दिखाने वाला हूँ कि कैसा है शुद्ध घी का खाजा, ठीक है? तो यहाँ पर गाइस काफी ज्यादा भीड़ है आप देख सकते हो, खाजा खरीदने के लिए काफी ज्यादा क्राउड है यहाँ पर देखने को, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो गाइस अभी मैं शुद्ध घी का खाजा खाने वाला हूं, जो कि रुपया की बात करूं तो 20 रुपए प्रति पीस है। देखते हैं कि कैसा होता है। भाई साहब बहुत ही मस्त है खाजा। तो भाई मजा आ गया खाजा खाने में शुद्ध घी का। तो आप भी आइए सरस मेला में और शुद्ध घी का खाजा खा सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है खाजा खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पर घी का खाजा मिलता है। तो गाइस अभी मैं खाजा खाने के लिए गया तो मुझे फ्री में खाजा खिलाया गया है, तो मैं क्या बताऊँ, फिर भी मैं पैसा दे रहा तो फिर भी वो नहीं लिए, तो मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छे इंसान थे, ठीक है? तो गाइस चलते हैं आगे, फिर दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा कैसा होने वाला है। तो गाइस आप यहाँ पे रसगुल्ला का भी मजा ले सकते हैं, देख सकते हैं रसगुल्ला का भंडार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काला उतला जो भी लेना चाहते हैं सब ले सकते हैं। और भैया ये बता रहे हैं 20 का एक मिठाई है। और भैया काला वाला कितने का भैया?
20 का है, तो काला वाला मिठाई भी 20 को आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आपको यहाँ पर हवा मिठाई भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हवा मिठाई बन रहा है। तो गाइज आपको इस स्टॉल पर नाइटी वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि इसका प्राइस कितना होने वाला है। एक कुर्ती का कितना प्राइस? 500 दाम है। और इसका 650 कितना है? कितना का है? 650। तो गाइज यहाँ पर 650 का आपको कुर्ती भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो बगल में नाइटी लगाया गया उसका कितने का है? वो 400 का है, वो 250 का। अच्छा 400। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं बगल में नाइटी, ये 400 का देखने को आपको मिल जाएगा। तो गाइज आपको यहाँ पर कॉपर पॉलिश पेंटिंग भी देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो ये सब कॉपर पॉलिश पेंटिंग है। तो चलिए, तो गाइज आपको इस मेले में जूते चप्पल खास करके लेडीज का बहुत सारा आपको जूता चप्पल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप देख सकते हो काफी बढ़िया। तो गाइस इस मेले के अंदर आपको जेंट्स और लेडीज का जूता और जूती दोनों मिलने वाला है। तो चलिए इनको नोट से बात करते हैं कि इस जूते और जूते का प्राइस कितना होने वाला है। इस जूते का प्राइस कितना है? 750 का है जी। और ये 550 का है। 550 बुरा वाला का। तो गाइस आप देख सकते हैं जो बुरा वाला जूता है 550 का, ये लेदर है क्या? जी लेदर का है। प्योर लेदर? प्योर लेदर है, 100% प्योर लेदर का जूता आपको 550 में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये लेडीज लोग का कैसे है जूती? 300 का जी। तो गाइस अगर आप लेडीज या लड़की का जूती लेना चाहते हैं तो आपको 300 रुपए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे जूती लगा हुआ है, तो काफी अच्छा है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर मूर्ति उर्ति बना हुआ है छोटा छोटा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हो। तो गाइस अब मैं आपको एक राउंड करके घुमा देता हूँ, यहाँ का नजारा पूरा दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देख लीजिए मेरे राउंड में कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा जो काफी ज्यादा क्राउड है। तो गाइस बहुत ही मजा आया मेला में घूमकर। आपको भी अगर आप भी पटना आते हैं तो गांधी मैदान में आइए और इस मेले का आनंद लीजिए, काफी मजा आएगा इस मेला में, क्योंकि आपको इस मेला में सब कुछ देखने को मिलेगा। खास करके बच्चों के लिए झूला भी लगाया गया है, तो आप झूला का मजा भी ले सकते हैं इस मेला के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।